हेलो एवरीवन, दिस इज मदन मोहंती वारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तो आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको निराश भी कर देगा, लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हो, और मैं ये भी बताऊँगा कि आप मायूस मत हो, आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक चैनल को नहीं किए हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। तो अब अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, पिछले 10 साल से जो हिस्टोरिकल रिटर्न है अगर देखा जाए, तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो सिर्फ 8% तक ही रिटर्न दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आता है वो हम जानते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल स्मॉल कैप और मिड कैप का ही है। 2018 के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, और ये वाकई में ये जो 2020 का जो इकोनॉमी स्लो डाउन है, जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, इसके चलते ये बहुत ज़्यादा नुकसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को झेलना पड़ा है, एज वेल एज जो स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल लेवल में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा है। तो अब मैं आपके सामने कुछ डाटा रखता हूँ कि जो आज के डेट में अगर 10 साल का रिटर्न देखें, किस कैटेगरी में कितना रिटर्न मिल रहा है, ये आपको चौंका देगा और वाकई में निराश कर देगा। लेकिन निराश नहीं होना, मैं अब 10 साल का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है, 241 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स 241 में से 174 ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो 8% से भी कम रिटर्न दे रहे हैं। वहीं पे 45 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 8 से 10% के बीच में रिटर्न दे रहे हैं। अगर हम 10% के ऊपर के रिटर्न की बात करें, तो 25 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 10% के ऊपर उनमें रिटर्न देखा गया है। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो बहुत ही बुरा हाल है, पिछले 10 साल का जो हिस्टोरिकल रिटर्न देखा गया है उसमें काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, लार्ज कैप, मिड कैप, गोल्ड ETF, तो उसमें भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैटेगरी वाइज भी कितना रिटर्न है पिछले 10 साल का, अगर हम डाटा उठा के देखें। तो आपके सामने फंड स्कोर कार्ड है, यहाँ पे अगर हम देखें लार्ज कैप में, अगर लमसम रिटर्न की सिर्फ बात करें, लार्ज कैप में 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 6 से 7% का ऑन द बेसिस, एनुअल बेसिस पे ये रिटर्न देखने को मिला है। लार्ज एंड मिड कैप में एनुअल बेसिस पे अगर 10 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न निकाले, 10 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते तो ऑन द एवरेज आपको 8 से 9% के बीच में रिटर्न मिल जाता। वहीं पे मल्टी कैप की बात करें तो वो भी मल्टी कैप में भी 7 से 8% आपका फंड का रिटर्न होता। अगर मिड कैप की बात करें तो 10 से 11% का रिटर्न देखा गया ऑन द एवरेज एनुअल बेसिस में पिछले 10 साल का अगर हिस्टोरिकल रिटर्न निकाले तो। स्मॉल कैप में भी 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पे अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 9 से 10% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पे लिक्विड फंड की बात करें तो 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिला। देखो, अगर 10 साल का जो रिटर्न होता है ये बहुत लंबा अवधि है, इट मीन्स लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे भी अगर 8 से 9, 10, 7, 8 रिटर्न देखने को मिल रहा है तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये जो रिटर्न है, इस रिटर्न के बेसिस पे क्या आप मायूस हो जाओगे? क्या आप ये सोच रहे हो कि क्या आप म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट और रिटर्न लेने का एक इंस्ट्रूमेंट और फिनेंशियल प्रोडक्ट नहीं रहा? देखो, जब जब मार्केट गिरा है, जिस ईयर में मार्केट गिरा है उसके अगले साल, एक दो साल आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिला है। देखो, मैं सेंसेक्स की बात करूंगा, मैं सेंसेक्स का हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा जब जब जिस ईयर में मार्केट का बुरा हाल रहा है उसके अगले 2-3 साल में मार्केट में बहुत तेजी देखा गया। इट मीन्स कि अभी जो 2020 का हाल है उसमें देखा गया है मार्केट में बहुत गिरावट है, ऑलमोस्ट 30 से 35% का गिरावट पिछले 3 महीने के अंदर देखा गया है। तो यहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आने वाले टाइम में जो 1 और 2 साल होगा उसमें कहीं ज्यादा तेजी देखा जाएगा। आपको मैं हिस्टोरिकल डाटा दिखाता हूं सेंसेक्स का, जो पिछले अगर हम 30 से 35 साल का हिस्टोरिकल डाटा उठा के देखें तो आपको दिखेगा कि सेंसेक्स का चेंजेस कैसे हुआ है और हर के बाद कितना छलांग लगाया है। आपके सामने 1987 का डाटा है, उस समय सेंसेक्स 510 के पॉइंट के करीब में चल रहा था, उस समय 11% का यहां पे नेगेटिव रिटर्न था। 1988 में
22% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। ये 2 साल बहुत बुरा रहा स्टॉक मार्केट के लिए, और स्टॉक मार्केट का असर ही म्यूचुअल फंड, इट मीन्स कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस सही नहीं होगा, तो म्यूचुअल फंड में भी वही इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे 1989 में आप देखो 79% का रिटर्न मिला है, सेंसेक्स ने 79% का रिटर्न दिया है। चलो 1990 की बात करें तो 9% का सिर्फ रिटर्न देखने को मिला है, 1991 में वही 50% का रिटर्न देखने को मिला है, और 1992 में रिटर्न तो देखोगे 267% का रिटर्न देखने को मिला है। एक गिरावट के बाद जो छलांग आप देख रहे हो वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ चेंजेस हुए हैं, अगर आप गिरावट में सर्वाइव कर लोगे तो आपको छलांग भी देखने को मिलेगा। अब यही डाटा नहीं है, मैं इसके आगे का भी डाटा आपके सामने रखता हूँ। अब आपके सामने जो डाटा है वो 2001 का है, सेंसेक्स का जो पॉइंट्स है वो 3604 के करीब में 28% का नेगेटिव परफॉर्मेंस 2001 में देखा गया। वहीं पे 2002 में 4% का नेगेटिव परफॉर्मेंस है, 2003 में -12%। अब इसके बाद का स्टोरी देखो, आप 2 से 3 साल में नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन 2004 में 83% का रिटर्न मिला है। वहीं पे 2005 की बात करें 16% का रिटर्न मिला है, वहीं पे 2006 में 74% का रिटर्न मिला है, और फिर 2007 में 16% का रिटर्न मिला है। आप गिरावट के बाद देखो आपको रिटर्न कितना अच्छा मिल रहा है, तो आप परेशान मत हो ये सोच के कहीं कि यार अब ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब मार्केट से निकलना चाहिए, अब मार्केट से यहाँ एग्जिट करना चाहिए। एग्जैक्टली अब यहाँ से मार्केट उठेगा भी, 2 से 3 साल आपको लगेंगे, लेकिन रिटर्न बहुत तगड़ा मिलेगा। अब आपको 2007 के बाद का भी डाटा मैं दिखाता हूँ। 2009 की बात है, 2009 में आप देखो 38% का नेगेटिव परफॉर्मेंस, 2010 में वही सेंसेक्स ने 81% का रिटर्न दिया, वहीं 2011 में 11% का रिटर्न देखने को मिला। तो एक चीज तो तय है, अगर ये मैं हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने इसलिए लेके आया हूं कि यहां हर गिरावट के बाद आपको छलांग देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में जब जब गिरावट देखा गया है उसके बाद 1 और 2 साल के अंदर बहुत छलांग देखने को मिला है। तो ये गिरावट है, 2020 में आपके म्यूचुअल फंड में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है, तो आने वाले 1 और 2 साल में छलांग भी देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग है और आपको इसको लेके चलना है, क्योंकि जो 1 से 3 महीने में मैंने देखा है कई लोग जो रिडीम करवाए, रिडम्पशन का प्रोसेस ज़्यादा हुआ, लोगों ने पैसा निकाला म्यूचुअल फंड से, ये एक बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके चलना चाहते हो तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, अगर आप बार बार पैसा निकाल रहे हो। यहाँ मैं, मेरा जो मकसद था, जो मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आया था, मेरा मकसद ये था कि जो आप हर गिरावट के बाद जो छलांग देखते हो उसको कहीं मिस मत कर जाना। आपने जो नुकसान सहा है, जो इतना सर्वाइव किया है, उसके बाद जब रिटर्न लेने का समय आए तो आप कहीं निकल मत जाना। अब ये तो मैं आपको मोटिवेट कर दिया कि आप पैसा मत निकालो, रिडीम मत करो। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। आप अगर, हर एक इंसान जो भी ये वीडियो देख रहा, अगर वो अपने लाइफ में इसको अप्लाई करता है, यहाँ पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। देखो, आप जो गिरते हुए मार्केट में जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांस होगा आने वाले टाइम में। अब आप ये बोल रहे हो कि मार्केट गिरा हुआ है, मेरा इनकम तो उतना ही है, अब मैं ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट करूँ। ये सही क्वेश्चन है, मेरा इनकम एक लेवल पे ही है, लेकिन आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, मेरे खर्चे तो उतने ही हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा करूँ। देखो, आप एक काम करो, आप महीने के जितने खर्च करते हो, चाहे वो छोटी रकम हो, बड़ी रकम हो, कोई भी एक्सपेंसेज हो, आप पेन और पेपर लो और लिखना स्टार्ट करो कि क्या क्या एक्सपेंसेज हैं। आप हर महीने का 1 से 2 महीने का एक्सपेंसेस लिखो, और उसके बाद उस 2 महीने का एक्सपेंसेस को देखो कि क्या कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको मैं थोड़ा कट कर सकता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज कर सकता हूँ, थोड़ा कम कर सकता हूँ, और कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिसके चलते जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ये सोचो। हमारे लाइफ में अगर आप हर दिन देखोगे तो कई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको हम कम कर सकते हैं, कई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको हम कट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नोटिस नहीं करते हैं। तो पेन और पेपर लेके 1 से 2 महीने का आप डाटा उठाओ कि क्या
कितना खर्चे हुए हैं, चाहे वो 10 रुपए से लेके 10,000 के करीब क्यों ना हो, 10 लाख के करीब क्यों ना हो, आप पहले उसको अपने एक्सपेंसेस को पेपर में लिखो और उसके बाद नोटिस करो कि क्या कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ और कट कर सकता हूँ। तो वैसे एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करो, वैसे एक्सपेंसेस को कट करो और उस एक्सपेंसेस को आप अपने इन्वेस्टमेंट में यूज करो। इट मीन्स कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, तो वहां पैसा लगाओ। एग्जैक्टली ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि मेरा इनकम तो जनरेट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएं, तो यही एक तरीका है, अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा आपको आने वाले टाइम में रिटर्न दे जाएगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो। देखो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा गिरावट है, पिछले 10 साल का हिस्टोरिकल डाटा मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको मैंने मोटिवेट भी किया कि कैसे सेंसेक्स में गिरावट के बाद आपको तेजी भी देखने के मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, आपका तो इनकम उतना ही है, तो अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करके, अपने जो भी फिजूल खर्चे हैं उसको मिनिमाइज करके, आप पैसा जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हो और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। देखो दोस्तों, मेरा मेन मकसद है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो दिन पे दिन स्ट्रांग होते जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है दिन पे दिन आपको अच्छा रिटर्न मिले। और आपके अगर पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ग्रीन देखने को मिलेगा ना, तो मेरे को भी उतना ही खुशी मिलेगा जितना आपको खुशी मिलेगा। एग्जैक्टली ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कुछ भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में आके अपना क्वेरी जनरेट कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।